हेलो एवरीवन माय नेम इज़ अदिति चौधरी वेलकम टू माय चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे तुम बहुत बोलने लगे हो तुम बहुत बदतमीजी करने लगे हो वो बहुत झूठ बोलने लगा था वो बहुत पढ़ने लगी थी ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम बोलते हैं कि सडनली कोई किसी काम को करने लगा है या करने लगा था आइए देखते हैं कि इनको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज आएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा जैसे शी हैज ही हैज या आई हैव वी हैव दे हैव यू हैव और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फ्लूरल हैड ही आएगा इसके बाद स्टार्टेड आएगा उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और लास्ट में अलॉट आएगा चलिए आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए तुम बहुत बदतमीजी करने लगे हो यू हैव स्टार्ट मिसबिेविंग अलॉट यू हैव स्टार्ट मिसबिविंग अलॉट इस सेंटेंस में देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग की है सब्जेक्ट से जो कि इस सेंटेंस में है यू इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है हैव क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है उसके बाद स्टार्टेड आया है स्टार्टेड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है जो कि इस सेंटेंस में है मिसबिहेविंग उसके बाद अलॉट आया है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है वो बहुत बोलने लगी है शी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट शी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट

वो अचानक से बहुत चुपचुप -चुप रहने लगी थी सडनली शी हैड स्टार्टेड स्टेइंग क्वाइट अ लॉट सडनली शी हैड स्टार्टेड स्टेइंग क्वाइट अ लॉट तुम बहुत खर्चा करने लगे हो यू हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी अ लॉट यू हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी अ लॉट वो बहुत जिद करने लगा है ही हैज़ स्टार्टेड इंसिस्टिंग अ लॉट ही हैज़ स्टार्टेड इंसिस्टिंग अ लॉट वो बहुत दिखावा करने लगा था ही हैड स्टार्टेड प्रीटेंडिंग अ लॉट या

अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक, तक के लिए टेक केयर बाय बाय